हेलो हाय नमस्कार भाई और उन सभी की बहनों, आप सभी का स्वागत है ब्लास्ट ट्यूबर के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो गाइज़ आज हम चैनल आर्ट बनाना देखेंगे। तो गाइज़ सबसे पहले मैं वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ सबसे पहले आपको साइज लेना है 2560x423। गाइज़ ये है गाइज़ फुल डेस्कटॉप का साइज़, देख सकते हो। यहाँ पर हमें देखने से ही लग रहा है कि भाई हमारा पूरा जो साइज़ आ चुका है। सो गाइस जो अब जो हमारा मेन प्रोसेस बनता है वो है, मैं जो आपको क्लिप दूंगा ना गाइस, जो ये बैकग्राउंड आपको इसे लेकर आना है गाइस, और इसे अपने यहाँ पे जिस हिसाब से मैं बताता हूँ गाइस उस हिसाब से इसको सेट कर लेना गाइस। आपको क्या करना पड़ेगा, रेड वाला यहाँ पे रखना है और गाइस इसको यहाँ पर लॉक कर देना। लॉक करने से क्या होगा ना गाइस, जब आप इसको कितना भी टच कर लो ये हिलेगा नहीं, जब तक आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको मतलब हिलाओगे नहीं तब तक। तो गाइस ये तो था बैकग्राउंड। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें गाइस सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पे कैसे मैं करता हूँ ये सब। चलो मैं इसको यहाँ पे पहले ब्लास्ट ट्यूबर लिख लेता हूँ। ब्लास्ट ट्यूबर, तो गाइज ये मेरे चैनल का नाम है, मैं इसको लिख लेता हूँ और गाइज मैं इसको यहाँ पे खूब बड़ा कर दूंगा। अब आती है फॉन्ट्स की बारी, तो मैं अक्सर यहाँ पर बिग ब्लैक कंडेंशन यूज़ करता हूँ गाइज, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज अब आपको क्या करना है, इसको कलर कर देना है किसी भी स्टाइल में। सो गाइज मैं आपको ग्रेडियंट बना के दिखाता हूँ। सो चलो गाइज ग्रेडियंट बनाते हैं। तो मैं एक येलो लूँगा और दूसरा वाला रेड, एकदम डार्क रेड। सो गाइज पीले वाले को इधर ले आएंगे और रेड को इधर, और गाइज इनकी कैपेसिटी आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम हमारे ये कलर रेड के साथ में अट्रैक्टिव लग रहा है। तो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा स्ट्रोक देकर 3D टेक्स्ट में जाना है और गाइज आपको इसकी फुल डेप्थ कर देनी है। गाइज फुल डेप्थ का मतलब होता है इसका जो बैकग्राउंड है ना वो फुल ब्लैक हो जाना है। तो गाइज इस टाइप का मैंने ये फुल डिपेथ वाला तो आपको आता ही होगा। सो गाइज इसका मैंने ऑलरेडी एक फ़ोटो बना रखा है, मैं आपको उसके माध्यम से एकदम अच्छे से समझा पाऊँगा। तो गाइज मैं इमेजेस में जाके सबसे पहले पिक्सल लैब में जाता हूँ और गाइज यहाँ पर कुछ समय पहले का ही है वो मेरा, ठीक है, मैंने बहुत सारी इमेजेस बना ली गाइज यहीं कहीं का था, हाँ ये रहा। सो गाइज देख सकते हो ये सब कुछ 3D टेक्स्ट की वजह से, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा है गाइज, देख सकते हो गाइज ये सब कुछ सिर्फ 3D टेक्स्ट की वजह से हुआ। अब गाइज आपको क्या करना है, इसको हल्का सा स्ट्रोक देना है, लेकिन अब की बार गाइज वाइट कलर का। सो वाइट कलर से करने से क्या होगा ना गाइज, इसका जो 3D का टेक्स्ट हमने दिया था ना वो इसका दिखने लगेगा, देख सकते हो गाइज अब ये थोड़ा सा कूल दिख रहा है। सो अब क्या करना है गाइज, आपको इसको मिडल में इसको पेस्ट कर देना और गाइज आपको फ्रोम गैलरी जाना है। और गाइज जो इमेजेस मैंने आपको बताई थी ना वो सभी का गाइज, जो जो मैं इसमें लिंक यूज़ कर रहा हूँ ना उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो जो फोटोज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइज मैंने उन सभी का लिंक दे दिया। और गाइज अभी आपका जो मेन आता है फोटो, तो गाइज वो है ये। और गाइज अभी मैं इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट कर लेता हूँ और गाइज मैं अभी देखूँगा भाई ये कैसे कितने पे सेट हो रहा है। तो गाइज देख सकते हो ये यहाँ पे ये सेट हो चुका है और गाइज हमारा जो रेड है वो पिकाचू को उसी तरफ भेज रहा है, इसलिए ये भी गाइज का एक मोटिव जैसा हो गया है। अब गाइज थोड़ा सा ब्लास्ट ट्यूबर को इधर ले आते हैं। सो गाइज अब जो हमारा दूसरा मेन काम पड़ता है ना वो भी है एक फाइल का। सो चलो गाइज वो लेके आते हैं। तो गाइज वो है ये क्यूट रेड की। तो गाइज क्यूट रेड है, इसको भी आपको एकदम छोटा सा कर लेना है, कहीं ऊपर ना चला जाए। तो गाइज इसको छोटा करने से आपका होगा क्या ना, मतलब मेन मोटिव क्या है गाइज, ये बीच की जगह ढकेगा जैसे इस टाइप का, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब देख सकते हो गाइज ब्लास्ट आपको नहीं हटना, आपको सिर्फ ट्यूबर हटाना है और उसके लिए मेरे को थोड़ा सा और छोटा कर लेना चाहिए इसको, देख सकते हो गाइज अब ये बहुत मतलब सूट कर रहा है गाइज इसके ऊपर। और गाइज आप चाहो तो इसे स्ट्रोक दे सकते हो किसी भी टाइप का। तो गाइज अभी मेरे को एक फ़ोटो निकालना है, वो मेरे शायद पता नहीं कहाँ पे है, बहुत पुराना फ़ोटो है इसका, बड़ी मुश्किल से निकाला था मैंने, कहाँ होगा वो कहाँ, मैं कोई फ़ोटो डिलीट नहीं करता ना गाइज, इसलिए मेरे पास इतने सारे फ़ोटोज़ हो चुके ना भाई जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो गाइज मेरे को फ़ोटो मिल चुका है और गाइज वो फ़ोटो है ये वाला, ओके। तो गाइज अब आपका जो मेन काम आता है भाई, काफ़ी लोग भाई समझ नहीं पाते कि भाई आप इस फोटो को आप दूसरी तरफ कैसे घुमाओ। तो गाइस 3D रोटेट पे जाना और वाई एक्सिस को दूसरी साइड कर देना, जिससे आपका इसकी साइड चेंज हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई आपको किस साइड का चाहिए। सो गाइस एज यू कैन सी हियर हमारा जो ये फोटो है वो एकदम मतलब उस तरफ के लिए सेट हो चुका है, देख सकते हो गाइस एकदम कॉर्नर पर जा चुका है। और गाइस अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाऊँगा ताकि एज की कैप दिखे।
सो गाइज़ ये था हमारा अभी तक का मेन। तो गाइज़ अब हमें क्या करना है, जो सेकंड प्रोसेस हमारा आता है, ब्लास्ट ट्यूबर को लेना है। और गाइज सबसे पहले ब्लास्ट ट्यूबर को थोड़ा सा छोटा कर देना है, क्योंकि गाइज दिखाता हूँ मैं आपको क्यों। इंपोर्ट में डाउनलोड में गाइज मैंने एक और टेक्स्ट बैकग्राउंड का डाउनलोड कर रखा है, इसका क्लियर कट वाला कहाँ है, चलो यही यूज़ करते हैं। सो गाइज ये भी आपके लिए एक बहुत 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 अच्छा टाइप का टेक्स्ट बैकग्राउंड होने वाला है, जो कि गाइज मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। मेरा लास्ट चैनल आर्ट में भी यही था, ओके गाइज, जो इसका मतलब इरेडिकेशन या डिग्निटी कह सकते हो भाई, इसका इतना मतलब मेरे को अच्छा लगा भाई, मैं कुछ कह ही नहीं सकता गाइज इसके बारे में। तो गाइज इसको आपको एकदम छोटा कर लेना है, जितना आपको लगता है कि भाई ये इतना आएगा। तो गाइज मैंने इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया। अब गाइज जो मेन हमारी बात आती है ना, उसको क्या है, आपको इसको नीचे की साइड से गाइज इस टाइप का करना है पतला, और गाइज इधर से कर देना है इसको चौड़ा, और गाइज आपको कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे फिट कर देना है रेड के ऊपर, और गाइज आपको इसको स्ट्रोक देना है रेड कलर का, किधर गया रेड, रेड देना है गाइज, जिससे कि आपका यह इस टाइप का लगेगा। अब गाइज जो हमारा दूसरा काम आता है ना, वो मैंने इसको ज़्यादा चौड़ा कर दिया, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो गाइज ये था हमारा इधर का, और गाइज अभी जो ग्लास ट्यूबर है उसको भी हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, ये तो हिला, बट कोई बात नहीं गाइज, जो हमारा मेन ग्लास ट्यूबर है ना गाइज, अभी हमें इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी है इसके साथ। हाँ तो गाइज अब ये यहाँ पे फिट हो चुका है, क्योंकि गाइज अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है। तो ये तो हो गया गाइज ये दूसरा, और गाइज वहीं आपको इसकी एक और कॉपी बनानी है, उसको 3D रोटेट करना है, 3D रोटेट करना है, और इसको वाई एक्सिस पे को फुल कर देना, ताकि गाइज ये एकदम ऑपोजिट को घूम जाए, और गाइज इसको आपको इस तरह के लिए सेव कर देना है। सो गाइज एज यू कैन सी दोनों आ चुके हैं, लेकिन गाइज आपको क्या करना है, अपना जो मेन रेड है इसको फ्रंट में करना है, ताकि गाइज उसकी कोहनी उसकी थोड़ी जगह ढक ले। सो गाइज अभी तक तो ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहा। अब गाइज आपको ऐश वगैरह को भी अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हैं, ऐश और रेड को, तो मैं इसको तो वाइट ही दूंगा, वाइट इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन अभी गाइज हमें इन सभी को लॉक भी करना है, तो रेड ले, नहीं गाइज रेड, चलो इस पर रेड या फिर ब्लैक, वाइट या रेड गाइज, रेड ठीक है इसके ऊपर रेड, क्योंकि गाइज मेरे चैनल का मेन कैरेक्टर है रेड, और गाइज ऐश जो है हमारी पोकेमॉन जेन, पोकेमॉन का मेन ऑफिशियल, इसलिए गाइज मैंने उन सभी को इसमें यूज़ किया। तो गाइज अब जो दूसरा मेन काम आता है वो है टेक्स्ट का, आपको टेक्स्ट लेके आना है इस तरफ, मेरा उधर का गाइज थोड़ा सा, और गाइज आपको आओ यहाँ पे लिखना है अपना जो भी चैनल का नाम है ब्लास्ट ट्यूबर। सो गाइज ब्लास्ट ट्यूबर का यहाँ पे मेन मोटिव क्या होने वाला है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। गाइज ब्लास्ट ट्यूबर है जो, हाँ चलो इसमें अमेरिकन में भी ठीक है वैसे ही। तो गाइज ये मैं यहाँ पे इसको जूम करके यहाँ पे फिट कर दूंगा, हाँ तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे एकदम फिट हो चुका है। गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई इसको स्ट्रोक नहीं करना है, कोई भी चीज़ इसे कुछ नहीं करनी है गाइज आप लोगों को। मैं इसको वापस से फुल जूम करता हूँ, देख सकते हो गाइज यहाँ पे ब्लास्ट ट्यूबर आ चुका है। लेकिन गाइज अभी जो हमारा दूसरा काम है कि भाई ये ब्लास्ट ट्यूबर कहाँ का है, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, तो गाइज वो आपको करना है। तो पहले मेरे यहाँ पे तो है नहीं, इमेज इरेजर में जाना पड़ेगा, हाँ तो गाइज यहीं कहीं था, ये रहा गाइज, मिल चुका है हमें। तो गाइज अभी आपको क्या करना है, इसको एकदम छोटा कर लेना है और उधर जाके फिट कर देना है गाइज। ये गाइज पूरा प्रोसेस पिक्सल लैब का, कुछ लोगों ने कहा था भाई PSCC के अंदर कुछ ट्यूटोरियल दो भाई, भाई मैं भी अभी PSCC को यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा उसके ऊपर भी, अगर ऐसा कुछ लगा ना कि भाई हाँ ये तो इसके बिना बनेगा ही नहीं। लेकिन जो गाइज अभी इस वीडियो का पूरा काम है ना, वो सिर्फ पिक्सल लैब से ही मैं करना चाहूँगा। तो मैं देख सकती हूँ मैंने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है, तो मेरे को लगता है अब ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे ये फिट होने के लिए अभी रेडी लग रहा है मेरे को। लेकिन गाइज आपको ध्यान ये रखना, आप पिकेचू का मुँह कटना नहीं चाहिए। अभी गाइज मैं इसको थोड़ा सा पिकेचू को उधर कर दूंगा, अगर मेरे को लगेगा ना, नहीं गाइज अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि उसका मुंह कट रहा है। तो गाइज अभी आपको क्या करना है, इसको भी कोई स्ट्रोक दे दो, क्योंकि गाइज हमारा जो पूरा लाल लाल रंग का हो चुका है, इसको मैंने वाइट दे दिया है। नहीं नहीं गाइज अभी इसको थोड़ा सा बस मेरे को उधर करना चाहिए थोड़ा सा, और गाइज जो हमारा रेड है उसको भी हमें थोड़ा सा उधर करना है, क्योंकि गाइज अभी ये जो फिलहाल चैनल आर्ट का मेन है वो रेड के पिकेचू के ऊपर आ रहा था। तो गाइज चलो देख सकते हो यहाँ पे है। सो गाइज अब जो दूसरा काम आता है ना, जो लोग अक्सर अपना देते हैं, यानी गाइज इंस्टाग्राम, कुछ गलत मत समझना। सो गाइज इंस्टाग्राम जो अक्सर अपनी आईडी वगैरह देते हैं कि भाई हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। सो गाइज ये रहा वो इंस्टाग्राम का मेन लोगो, गाइज मैं इसको भी यहाँ पे छोटा 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 एकदम कर दूंगा
एकदम गाइज, जितना मैंने लास्ट टाइम किया था ना गाइज उसको, उतना ही गाइज आपको इसको कर देना है। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पे एकदम ये हमारा छोटा हो चुका है गाइज। और गाइज मैंने इसमें कोई वीडियो में एडिटिंग वगैरह नहीं की है, क्योंकि गाइज मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई इस वीडियो में भी एडिटिंग की ज़रूरत है। गाइज देख सकते हो उसने वहाँ पे जाके अपनी जगह जो उसको मिली थी वो कवर कर ली है, फिर मेरे को नीचे करना है ना। सो गाइज ये देख सकते हो इंस्टाग्राम का भी हो चुका है। नहीं इंस्टाग्राम को गाइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी उसको देखा ना कि भाई ये तो मतलब वही उसके ऊपर फिट ही नहीं हो पा रहा। देखो गाइज ये जो ऊपर की आउटलाइन निकल के आ रही है, आपको ध्यान रखना है गाइज कि ये आउटलाइन ना निकल पाए कहीं से भी गाइज, कहीं से भी आउटलाइन नहीं निकल पाए। मैंने मेरे मेन में तो दिया है आउटलाइन, लेकिन गाइज मेरे में चले तो कोई बात नहीं, लेकिन गाइज आप लोगों का एकदम मतलब परफेक्ट होना चाहिए। तो गाइज अब मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है ना वो गाइज कुछ है नहीं, तो मैं इसको @soon लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर लिखता हूँ कि मैंने भाई अभी तक इंस्टाग्राम अपना यूज़ ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे @soon लगाया नहीं। चलो कोई बात नहीं गाइज, अभी हम यहाँ पे सिर्फ सून लगा देते हैं, तो सून को भी अभी हम फॉन्ट देंगे। तो गाइज मैं कौन सा, तो इसमें भी अमेरिकन फॉन्ट, चलो गाइज अमेरिकन कैप्टन ही मैंने इसमें पूरे में यूज़ किया है। और गाइज ब्लास्ट ट्यूबर में किया है ब्लिक ब्लैक बैग कंडेंशन ब्लैक बिग बैग है गाइज, सॉरी मैं उसका नाम भूल जाता हूँ गाइज फॉन्ट का। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है वो आ चुका है। और गाइज अरे यार मैंने इसको फिर क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो गाइज अभी मैं इसको यहाँ पे फुल टू फुल सेट कर दूंगा इसका, देख सकते हो गाइज ये आ चुका है। और गाइज अभी मेरे को इस लगता है कि भाई मेरे को @ टाइप करने की ज़रूरत है। सो इसका स्क्रीन रोटेट हो गई, चलो कोई बात नहीं गाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अभी स्क्रीन को सीधी कर दूंगा, ये थोड़ा सा स्क्रीन रोटेट हो गया था, लेकिन अभी की जो है मतलब हमने स्क्रीन रोटेशन ठीक कर दिया। तो गाइज देख सकते हो हमारे यहाँ पे @soon है जो अभी फिक्स हो चुका है गाइज, और वो गाइज काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और गाइज यहाँ पे बस ब्लास्ट ट्यूबर और उसका साइज़ मैच नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर दूंगा। चलो गाइज ये भी इसका लिए साइज़ काफ़ी नहीं, मेरे को इसका फॉन्ट बदलना चाहिए ना गाइज। ओके गाइज इसको म्यूरस लैंड देता हूँ या फिर बिग ब्लैक कंडेंशन, हाँ गाइज ये ठीक है, ये गाइज अब दोनों ठीक ठाक सिमिलर लग रहे हैं। सो अभी मेरे को क्या करना है गाइज, इसको और छोटे वाले ब्लास्ट ट्यूबर को कर देना है मर्ज। और गाइज क्योंकि अभी तक मेरे को देखने में लग रहा है कि भाई वो दोनों सेम साइज़ के नहीं हुए, सॉरी अभी मेरे को नहीं, एक चीज़ को और मर्ज करना था गाइज इसके साथ, वो है एक वाला बैकग्राउंड। अरे नहीं गलत वाला बैकग्राउंड आ गया ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो गाइज हमें करना है इसको और इसको मर्ज। तो गाइज मैंने यहाँ पे इन दोनों को मर्ज कर दिया है। और गाइज अभी मैं इनको इंस्टाग्राम की तरफ ऊपर की तरफ ले आऊँगा। और गाइज आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल लग रहे हैं। तो गाइज आज का ट्यूटोरियल था इतना ही, 13 मिनट का वीडियो बन चुका है। और गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। तो गाइज यहाँ से जाके इसको सेव कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बना रखा है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही ओपी चैनल आर्ट लग रहा है गाइज, आप भी अगर एक पॉकेट यूट्यूबर है तो प्लीज़ इस चैनल को आर्ट को जरूर बनाइएगा, ताकि गाइज ये आप लोगों की चैनल की शोभा बढ़ा सके। तो गाइज मिलता है एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज देखते रहिए पोकेमॉन एक्स एपिसोड। और गाइज हम इसी तरह के एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे।